साध संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। साध संगत जी, बाबा जी से हमने अनेकों बार सुना, हर जी अहंकार न भावई। जब इस निरंकार को अभिमान नहीं भाता, फिर हम जितनी मर्जी भक्ति कर लें, अगर हमारे अंदर अहंकार है तो वह कभी कबूल नहीं होती। खुद ही को मिटाने वाला ही भक्ति मार्ग पर परवान होता है, कबूल होता है। भक्त सारा श्रेय हर चीज़ का निरंकार को देते हैं। ये जो यहाँ आज आप सुंदर विशाल रूप देख रहे हैं, ऋषि जी ने महाराष्ट्र में नहीं खाली नेपाल में भी इस संगत की स्थापना की। भले उसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि उन दिनों नेपाल में किसी और धर्म का प्रचार करना मना था, पर उनका विश्वास नहीं डगमगाया, क्योंकि वो निरंकार को ही कर्ता मानते रहे। साध संगत जी, शहनशाह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, राजमाता जी की मेहरबानियों से, ऋषि जी की मेहनत से ये सुंदर रूप देखने को मिल रहा है। हमें जो बुज़ुर्गों की बदौलत ये लेगेसी, ये विरासत मिली है, हमने उसे संभाल के रखना है। उनके त्यागों को, पवित्रता, त्यागों की पवित्रता को, सैंक्टिटी को बना के रखना है। निरंकार से यही अरदास है कि सबको इतनी ताकत दे कि अपनी मैं को भुला के इस सच के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं, और बाबा बूटा सिंह जी की रहमत से इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएं। साध संगत जी, बाबा जी ने हमेशा संगत को एक माँ का और अपने सिर के ताज का रुतबा दिया। दासी भी यही अरदास करती है आप सबसे कि बाबा जी के उस फरमान पे पूरी उतर पाए। साध संगत जी, धन्यवाद।